हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे 21 डेज स्टडी चैलेंज का नवा दिन। मैंने सोचा था कि इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, एक दिन भी ब्रेक नहीं करूंगी, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसकी वजह से हमारी स्टडी बीच में एक दिन के लिए ब्रेक हो गई थी। बट ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में बचपन से चल रही है, जिसकी वजह से हम बीच बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और अब चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो गई हैं, और ज्यादा बेकार हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक हो जाती हूँ। क्योंकि अभी तक बात कैरेक्टर पे की जाती थी तो लगता था कि चलो ठीक है, किसी का कैरेक्टर किसी के जेब में नहीं है कि कोई खराब कर देगा, बातें तो दुनिया करती है। मेरी मम्मी को कई बार पीटा गया, उसके खून बहे, तब तक मैं चुप थी कि छोड़ो ठीक है, परिवार की बातें हैं, परिवार में ही रहने दो। लोगों ने गांव समाज में घूम के बदनामियां करनी शुरू की, बातें करनी शुरू की, तब तक मैं चुप थी कि लोग हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी तो देख रहे हैं, कोई कुछ बोले या ना बोले, चीजें चल रही थी। लेकिन अब बात जान पे बनाई है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती, ना ही हम लोग हमेशा टॉर्चर होते रहेंगे। क्योंकि जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक टॉर्चर ही हुए हैं, कभी ये नहीं मिला कि अपने कैसे होते हैं जान पाए। तो ठीक है, सामने वाला अगर उसी पे तुला हुआ है तो हम कब तक भागते फिरेंगे चीजों से, एक ना एक दिन हमें पलट के जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, तो देंगे जो भी है, अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कल जो हमने पोस्ट डाला था वो क्यों डाला था। फर्स्ट टाइम मैंने कहीं अपनी बातें शेयर की थी, लेकिन हमारे साथ टॉर्चर बचपन से हो रहा है। इवन हमारी मम्मी जब शादी करके उस घर में आई थी तब से उनके साथ टॉर्चर शुरू हो गया। मेरे बड़े वाले भाई की डेथ हुई, बड़ी वाली बहन की डेथ हुई, उसके बाद मेरी बारी आई। जब मैं 2.5 साल की थी तब से मेरे साथ टॉर्चर शुरू हुआ। अब आप लोग सोचेंगे 2.5 साल की बच्चे के साथ कोई क्या टॉर्चर कर सकता है, तो मेरी माँ से मुझे अलग कर दिया गया बहुत इजीली, कोई रीजन नहीं। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अधिकार उनको किसने दिया। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी पढ़ाई को लेके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। नहीं पढ़ेगी, लड़की है, पढ़ के क्या करेगी, एक दिन ससुराल ही जाना है। और ये भी नहीं था कि ज्वाइंट फैमिली थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ढंग से हम कोई काम नहीं कर सकते थे। उस उम्र में हमारे बड़े पिताजी ने हम लोगों को अलग कर दिया। हमारे पिताजी घर पे थे भी नहीं, वो बाहर ट्रक चलाते थे, बाहर रहते थे, उस टाइम पे उन्होंने अलग कर दिया। और उस टाइम से हम लोग अपनी मम्मी के साथ किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। उस टाइम से सर्वाइव करते 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 अलग होने के बावजूद वो लोग इंटरफेयर करते रहे। इस हद तक लोग टॉर्चर करते थे कि गली में अगर कोई सब्जी वाला आ जाता था तो हम लोग सब्जी नहीं खरीद सकते थे। जैसे तैसे करके हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने सोचा कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी तो हो सकता है कि चीजें सही हो जाए, लेकिन वक्त के साथ चीजें बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में चली गई और मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित होना शुरू हो गई 2017 से। क्योंकि उससे पहले मुझे ये एक होप थी कि चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन चीजें जब और ज्यादा बिगड़ने लगी तो मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि आप कहीं भी लीगल लड़ाई भी लड़ने जाते हैं ना तो पैसा चाहिए, और मेरे पिताजी पैरालाइज हो गए, 3 साल से उनकी दवा चल रही है। पहले हम लोग अपने यहाँ गाजीपुर में ही किसी डॉक्टर को दिखाते थे जो बता देता था, जहां एक जगह 1 साल दवा चली, उसके बाद 2 महीने कहीं कहीं 4 महीने, ऐसे करके कई जगह की दवाइयां चलाए हम लोग, लेकिन उससे उनको आराम नहीं मिला। उनको 3 बार अटैक आया उनको। हम लोगों ने जैसे तैसे करके पैसे का इंतजाम किया, जैसे तैसे क्या, हम लोगों ने अपना खेत गिरवी रखा और पापा को ले आए बनारस, उनका वहां से ट्रीटमेंट चल रहा है। आप लोग जानते भी होंगे इसके पौधार के यहाँ से ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, तो अब थोड़ा वो स्टेबल है। स्टेबल क्रियाक्रम के लिए है कि मतलब लैट्रिन बाथरूम चले जाते हैं, कहीं घूमने टहलने थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, बस इतने भर के लिए वो है। हमारे घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और ये बात तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे बड़े पिताजी जिंदगी में कभी चवन्नी नहीं कमाए होंगे अपनी मेहनत से। लेकिन उनके 4 बेटे थे, बहुत सानो सौकत से शहर में रह के पढ़े, क्योंकि हमारे पिताजी अलग होने के बाद भी ये सोचते थे कि हमारे पास केवल 2 बेटियां हैं, हमारे भाई की 4 बेटे हैं, अगर वो पढ़ लिख के अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे तो कल को हमें भी सहारा देंगे। क्योंकि हमारे पिता को हम लोगों में कुछ नहीं नजर आता था, हम लोगों में उनको अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं दिखता था। क्योंकि वो एक गांव में सोच होती है ना कि अगर लड़की पैदा हुई है तो उसमें औरत की गलती है, इल्जाम औरत पे डाल दिया जाता है कि औरत की ही गलती है कि वो बार बार बेटी को जन्म दे रही है। इन्हीं सब टॉर्चर के बीच में हमारी सारी चीजें चल रही थी, लेकिन 2019 में इन लोगों ने पहली बार प्रॉब्लम क्रिएट की। और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, हम लोगों के हिस्से की जो जमीन थी उसमें से कुछ जमीन इन लोगों ने हड़प ली। उसके 1 साल बाद जब हम लोगों के घर की
बाउंड्री एक साइड से होने लगी, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए थे लेकिन हमारा घर पूरी तरीके से बाउंड्री नहीं हुई थी, दीवार जो किनारे किनारे की थी। हम लोग ऐसे ही किसी तरीके से वो जो सरसों की लकड़ी होती है उसका टाटी वगैरह बना के हम लोग रहते थे। तो जब वहां से ये हुआ कि चलो अब लड़कियां बड़ी हो गई, कम से कम दीवार खड़ी करा दो, हम लोगों ने किसी तरीके से जैसे तैसे करके दीवार खड़ी कराने का सोचा। तो उसमें भी उन लोगों ने अड़ंगा लगाया और वहां पे भी जमीनें उन लोगों ने हड़पी, लेकिन गांव वालों ने कहा कि आपके पास बेटियां ही हैं, आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप मुकदमा वगैरह लड़ सकते हो, तो ठीक है जैसे भी होता है इसको सुलह कर लो। तो जैसे भी हुआ हम लोगों ने कर लिया। हम लोग सोचा कि चलो ठीक है कम से कम दीवार बन जाएगी थोड़ी सी, तो हम लोगों को रहने के लिए सही हो जाएगा कि हम लोग ये निश्चिंत रहेंगे कि नहीं चलो बाहरी से कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, हम लोग अच्छे से अपने घर में सेफ हैं। इन सारी मैटर्स के बीच में इन लोगों का मन इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब इन लोगों ने खेत में हाथ लगा दिया है कि अब वो भी चीजें हम हड़प लेते हैं। ये लोग घर पे जब न तब झगड़ा लड़ाई करते हैं, जब न तब मेरे मम्मी को, मेरी बहन को, मेरे पापा को टॉर्चर करते हैं, और इन्हीं लोगों के टॉर्चर की वजह से मेरे पापा की आज ये कंडीशन हुई है। क्योंकि इंसान मानसिक रूप से प्रताड़ित जब हो जाता है, जब उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ पे आती है चीजें, और वही मेरे पापा के साथ हुई। वो लोग ये चाहते हैं कि या तो हम लोग सुसाइड कर लें या इतना टॉर्चर कर दें कि ये लोग घर छोड़ के भाग जाएं। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब बात आ गई है कि हम जान से मार देंगे। इस बात की धमकी हमको बहुत दिनों से मिल रही है और मैं बहुत दिनों से चुप थी। मैं सोचती थी कि चलो गुस्से में आता है तो इंसान कह देता है, लेकिन हर आए दिन जान से मारने की धमकी कौन बर्दाश्त करेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि लीगल कार्रवाई मैं करूंगी, लेकिन उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि पैसे चाहिए। क्योंकि आजकल आप जाते हैं ना तो बहुत सारे लीगल प्रावधान हैं जिसके तहत अगर पुलिस काम करे, लोग काम करे, लेकिन एक होता है ना पावर भी साथ में काम करती है, और लड़कियों के साथ गांव का कोई पावर तो नहीं मिलता। सरकार का कुछ सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि जो बड़े लेवल पे चीजें होती हैं वहां पे भी करप्शन है, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर किसी इंसान के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन गांव समाज में क्या होता है कि आप लड़की हो तो आपको सभी लोग मिलकर टॉर्चर करेंगे। तो जो गांव के पावरफुल लोग हैं वो भी उन्हीं के साइड हैं, जिसकी वजह से हम लोग लीगल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं। हम लोग बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। बहुत आगे तक आप जब जाएंगे, वकील करेंगे, अब और भी सारी चीजें बढ़ेंगी, केस मुकदमा चलेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन कब तक हम डर के भागेंगे? एक ना एक दिन हमको चीजें करनी ही है। इतना ज्यादा प्रताड़ित इन्होंने किया, गांव में घूम घूम के बातें हैं, ये करती हैं, हम लोगों के कैरेक्टर को लेके बातें करते हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपनी बहनों को कैरेक्टर को लेके बात करेगा? उन लोगों को भाई कहने में भी मुझे शर्म आती है। लेकिन अब बात आ गई है जान पे, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूं कि अगर हमारे परिवार में से किसी को भी कुछ भी होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल वही लोग होंगे, और इसको लेके मैं अब एक्शन भी लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। और उन लोगों ने ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धमकी दे रहे हैं, दो दो बार मेरी माँ को मारे भी ये लोग, लेकिन तब हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, जैसे भी होगा, जिससे भी मदद मांगनी होगी मदद मांगेंगे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान बुरा ही नहीं है, कोई तो हम लोगों की मदद करेगा। तो अब लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जो भी होगा, जैसे भी होगा। ये वीडियो मैं इसलिए रिवील कर रही हूं कि कल को मुझे कुछ भी होता है, हमें ही नहीं, हमारे परिवार से किसी भी पर्सन को कुछ भी होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल यही लोग होंगे, मेरे बड़े पिता और उनके चार बेटे। और अगर इससे भी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हुई तो एक सबूत के तौर पे मैं उन लोगों की पिक्चर के साथ, उन लोगों के नाम के साथ भी वीडियो रिवील करूंगी, क्योंकि मुझे पता है गांव में किस तरीके से सबूत मिटाए जाते हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूं। यही सब प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये होता ना कि छोटी मोटी प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट करते तो मैं कभी भी ऐसे फ्रंट फुट पे नहीं आती, बातें नहीं करती, क्योंकि परिवार की इज्जत बहुत मायने रखती है मेरे लिए। और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत सीधे साधे हमारे मामा का परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग कभी भी कानूनी दाव पेच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो लोग कभी भी, यहाँ तक कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की पंचायत हो, किसी तरीके की बातें हो, कि समाज में बात चार लोग बनाएं, लेकिन ये लोग इन्हीं सारी चीजों पे तुले हुए हैं। और एक चीज मैं बहुत श्योर हो चुकी हूं कि हम लड़कियों
हम लड़कियों को समाज का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी होगी वो कानूनी ही लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि समाज के लोगों को औरतों का साथ देना कहीं ना कहीं उनके ईगो को हर्ट करता है। वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि एक औरत अपने लिए लड़ सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन के साथ, क्योंकि सिचुएशन चाहे जो भी हो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे तब तक हमारी सिचुएशन इसी तरीके से रहेगी। जब आप इकोनॉमिकली वीक होते हो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, ना ही आप कुछ अच्छा सोच पाते हो, यहां तक की चीजें होती है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाऊं ताकि मैं अपनी लड़ाई आगे लड़ पाऊं।